ये बताऊंगा कि इन वाक्यों की थोड़े जो कठिन वाक्य होते हैं उनकी अंग्रेजी को बनाने का तरीका क्या है। जैसे ये है, आप दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो, आप दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो। आपकी अंग्रेजी आप जानते ही हैं यू होगी, वाई ओ यू। दिन पर दिन की अंग्रेजी होगी डे बाई डे। पुट ऑन माने पहनना होता है, फ्लैश माने मास होता है, एफ एल ई एस एच, फ्लैश। तो ये मैंने लिखा भी है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पहले तो हम सीख लें कि अलग अलग शब्दों की अंग्रेजी क्या हुई, वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले यू यानी करता आएगा, आर यानी सहायक क्रिया हो गई, यू आर। मोटे होते जा रहे हो, पुटिंग ऑन, लाद रहे हो अपने ऊपर, पहन रहे हो, जैसे कमीज पहनते हैं, पुट ऑन, धारण कर रहे हो, यू आर पुटिंग ऑन। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और उसके बाद ऑन। फ्लैश, तुम मास धारण कर रहे हो, पहन रहे हो, डे बाई डे, तुम दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो, यानी तुम्हारा मोटापा मास बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे वर्ब, ये आप ध्यान रखें और फिर सेंस के अनुसार उस चीज को बनाते रहें। कौन सा टेंस है ये हमें देखना बेहद जरूरी होता है। दूसरा सेंटेंस देखें, मेरा आज सिर चकरा रहा है। सिर चकराने की अंग्रेजी मैंने लिखी है फील गिरी, जी आई डबल डी बाई। शाब्दिक अंग्रेजी कभी नहीं बनाई जाती, फील गिरी, चक्कर आ रहा है, सिर चकराना, मेरा आज सिर चकरा रहा है। फीलिंग, आई एम, आई करता हो गया, सहायक क्रिया एम हो गई, फीलिंग मुख्य क्रिया हो गई, फीलिंग गिडी यानी एडजेक्टिव, क्या हो रहा है, फीलिंग गिडी टुडे, आई एम फीलिंग गिडी टुडे, आज मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है। फील गिडी का अर्थ होता है सिर का चकराना या चक्कर आना। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला पड़ गया। अब हॉर्स एक ऐसा शब्द है, एच ओ ए आर एस ई, आवाज का कर्कश होना या गला पड़ना एक ही बात है। हॉर्स गला पड़ना या आवाज का कर्कश होना ये कहलाता है हॉर्स। शाउटेड चिल्लाना, ही शाउटेड हिमसेल्फ हॉर्स। ही यानी उसका, चिल्लाते चिल्लाते शाउटेड हिमसेल्फ, चिल्लाते चिल्लाते हॉर्स, गला पड़ना, आवाज का कर्कश हो जाना, उसकी चिल्लाते चिल्लाते आवाज कर्कश हो गई, यानी उसका चिल्लाते चिल्लाते गला पड़ गया। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। यह तुम्हें महंगा पड़ेगा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीन फार्म होती है, महंगा पड़ना, कॉस्ट डियर, महंगा पड़ने की अंग्रेजी है, कॉस्ट डियर, महंगा पड़ना, मैंने लिख भी दी है। अब सेंटेंस देखें, जैसे इससे पहला सेंटेंस था तो वो था पास्ट इंडेफिनिट का, उससे पहला सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और उससे पहला सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। अब इसको देखें, यह तुम्हें महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, इट विल, अज्ञा करता हो गया, इट, इट विल कॉस्ट यू डियर, महंगा पड़ेगा, कॉस्ट यू डियर, महंगा पड़ेगा। तो गा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, इट विल कॉस्ट यू डियर, विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर में होता है, तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया और फिर क्रिया, कॉस्ट की तीनों फॉर्म एक सी होती है। इट विल कॉस्ट यू डियर, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। कमीज बहुत दिनों तक चली, अब देखें इसकी अंग्रेजी, बहुत दिनों तक की अंग्रेजी पहले देख लें, फॉर ए लॉन्ग टाइम,
बहुत दिनों तक द शर्ट कमीज की अंग्रेजी कैप्ट चली, कीप होता जैसे तो चलती है होता, बहुत दिनों तक कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम चलती है, ये कमीज बहुत दिनों तक चलती है, इस तरीके से अंग्रेजी बनाएंगे तो कीप लगेगा। द शर्ट कैप्ट क्यों आया, पास्ट इंडेफिनिट है, चली द शर्ट कैप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कमीज बहुत दिनों तक चली। देखें कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, कैप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, विल कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक चलेगी यह कमीज, बहुत दिनों तक चलेगी। दिस शर्ट विल कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, विल कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। मैंने बहाना बनाकर अपने नौकर को टाल दिया, टाल देने की अंग्रेजी होती है पुट ऑफ, PUT, पुट OFF ऑफ, पुट ऑफ टाल देना। देखें इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, बहाना बनाकर की अंग्रेजी बनेगी विद एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज माने बहाना। मैंने बहाना बनाकर अपने नौकर को टाल दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई पुट माई सर्वेंट ऑफ, मैंने अपने नौकर को टाल दिया, पुट की तीनों फॉर्म एक सी होती है। आई पुट, पुट पुट पुट, इस तरीके से तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक सी। आई पुट माई सर्वेंट ऑफ, मैंने अपने नौकर को टाल दिया विद एन एक्सक्यूज, बहाना बनाकर की अंग्रेजी है ये विद एन एक्सक्यूज। तो कैसे बनते हैं इस प्रकार के वाक्य, ये मैंने आज बताने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।